अरे अब उनका नहीं ना है सब कुछ पेलत खाता है तब वो बताओ थी नहीं देना है का नहीं ना पावर राशन नहीं ना पावर की कॉलोनी नहीं ना पाए कि लेटरिन मोती के नहीं लिए के का नहीं लिए बताओ है हमें अरे बताओ मुआ चाहे जो उनका हो बताओ क्या नहीं लिए भैया अरे इनका का पता हुआ किशोरी लाल दर्द आदि के चला इतना माइंडेड आदमी है कहू है किसमी दादी बताओ बहुत माइंडेड है हाँ माइंडेड है तो मोदी को कम नहीं ना भाई वो माइंडेड है अत्ता बड़ा अयोध्या नगरी सजाए दिन यहाँ पर भाजपा ने कुछ विकास किया नहीं मेटी में कुछ नहीं की कौन बैठी इसमें से रानी कब्बो यहाँ सब वही भाई इसमें से रानी मैं जहाँ रात हो रात चली जाते तो राहुल गांधी कब आए हैं राहुल गांधी के बाप तो यहाँ जिंदगी भर रहे लोग का बंगला बना हुआ 6 किलोमीटर तो अमेठी की अच्छी दिन आए कि नहीं आप भी तो नहीं आए आप तो करो बड़ा विकास हो दादा आप एक बता रहे हैं तो पंजाब अरे विकास में कहो समझावे ना जई है मोदी बाकी सब मोदी बहुत किया नहीं लौड़ा कहो नहीं ना किए जता मोदी दादा किया ना नमक तक का खवा दिन तबो का नंगे टाने मोदी ना है पूरा अरे फ्री राशन दीस अबे खवा रहा है और का करे बताओ सब रत्ता बनवा दे चलिए नमस्कार मैं अमेठी में हूँ और अमेठी में लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि अमेठी एक ऐसा जिला है जो इसमें पूरे देश में चर्चित है क्योंकि अमेठी से इस बार राहुल गांधी तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनके माताजी के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे किशोरीलाल शर्मा उनको इस बार मैदान में उतारा गया है और यहाँ पर स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं निकल रहा था तो एक पूरब गाँव के पास ये होटल मिल गया चौराहा है और यहाँ पर दादा लोग अखबारों में कुछ पढ़ते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है चुनाव का माहौल है और दोपहर का समय दादा तो होटल से अच्छा स्थान कहीं और हो नहीं सकता था। क्या नाम है आपका? कंसराज। क्या लग रहा अमेठी कैसे देख रहे हैं इस बार अमेठी को? अमेठी वैसा ही है वहीं खड़ी है वही खड़ी है हा? कुछ बदलाव अमेठी में हुआ? अब बदले है। अरे दे थे बुढ़ापा दादा है अब लास्ट है अब के उनके ये हमारे देव है अब के उनका। अच्छा लास्ट है आपने पहले कह दिया? हाँ अब लास्ट है कहाँ लड़ियों की बात। अच्छा तो उनका देख परे भाई हमें वोटवा। और ये कांग्रेस का अब एक तो देव है कांग्रेस दे कहा उनका दे नहीं आपके साथ काम को अच्छा करी से हमें भाई यही करी समय अच्छा तो भाई राहुल गांधी एक सांसद हुआ करते थे कब हुआ रहे अब कहाँ है अब तो के एल शर्मा को उतारिन है उतारे रहे का करा जाए अब हम तो भाई न दे पोबे भाई काहे ना दे नाराज काहे हो? हम नाराज नहीं हम जहाँ देते वहीं देते हमारा असूल है। अच्छा हम कमल के फूल पर वोट देंगे हम वहीं देंगे बदलोगे नहीं कभी नहीं। और कांग्रेस करे इस बार हम जो है कर्जा माफ कर देंगे लखपति बना देंगे हर परिवार को तो बना दे तो फिर उनको अगले साल उनका दे भाई लेकिन इस बार नहीं दोगे अब के तो नहीं दे लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले हमको बनाओ तभी तो देंगे अब के बाद एक बाद उनका बनावा जाए इसलिए इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अब क्या मजबूरी है सब खवाए पियाए मोदी हमें सबका तो का करी बताओ राशन दिए नमक तक का खवाया है तो मजबूरी का फायदा हम नहीं उठाएंगे हम तो भाई अपाहिज हैं तब वोट दे हो हाँ उसी को देंगे साहब सत्य कह रहा हूँ दादा क्या लग रहा है बताइए। अब हम सब तो अंगूठा देख लियो जान लियो कि क्या है अरे अंगूठा सबको ही डाला दादा क्या लग रहा है देख बताइए क्या लग रहा है दादा हम तो बस मोदी के देवे भाई किस लिए दादा अब मोदी हमका ठीक दिखा दे लिए मोदी के देवे देखा जे ठीक दिखा तो कह रहे थे ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता दादा में तो कांग्रेस का गढ़ तो है पहले तो सब कहूँ कांग्रेस ही रहा पहले तो सब कांग्रेस ही रहा यहाँ कोनो गढ़ नहीं रहा मगर अब राजीव गांधी के गए के बाद सब गढ़ खत्म हुए जाते धीरे धीरे। अरे किशोरीलाल शर्मा आए हैं तो किशोरीलाल शर्मा आए हैं तो कबो यहाँ से इलेक्शन थोड़े लड़े हैं किशोरीलाल शर्मा अरे तो पहली बार लड़े आए हैं तो पहली बार लड़े हैं अब माओ ही है भाई अमेठी में अब के राहुल चले गए रायबरेली का काहे ले चले गए अब तब की जितवे नहीं है तो यही चले गए अब अमेठी में क्या दिख रहा अमेठी में क्या दिख रहा क्या सब वही है नेता तो है आप पब्लिक जिसको चाहे उसी को जिता सकती है। आपका माहौल क्या है? माहौल यही है कि दोनों का जबरदस्त चल रहा है टक्कर चल रहा है टक्कर चल रहा है कांग्रेस भी टक्कर में है बीजेपी भी टक्कर में ये तो फिर एक तरफा है नहीं दोनों तरफ टक्कर है अब कौन जीते कौन न जीते तो चुनाव के बाद ही पता। दीदी ने विकास किया कि नहीं? जी हम लोग तो भाई यहाँ है हम लोग लखनऊ में रहते। अच्छा दादा क्या लग रहा है अमेठी में? अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी है स्मृति ईरानी जी कांग्रेस कांग्रेस बहुत कम है हमारे बहुत कम है जी हाँ किस लिए दादा दीदी
इसलिए हमारे यहाँ विकास बनाया है। अच्छा बनाया है। चलिए दादा चिल्लाइए नहीं भाई, बात करिए, क्या लग रहा अमेठी? अमेठी में अब से कांग्रेस आगे रहेगी। हाँ ये तो कह रहे हैं कि भाजपा, अरे तो वो कह रहे हैं किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए कांग्रेस आगे रहेगी। रहेगी जो ये जानवर और सब खोले हैं ये लोग, इसीलिए आगे रहेगी अमेठी में कांग्रेस आगे रहेगी। जानवर की वजह से कहीं चीनी सस्ती करी, अब चीनी नहीं सस्ती भाई। चाय पिया तो कहीं? चाय तो पीते हैं, अब बैठे हैं होटल पर। चाय पिया? नाराज है आप? नाराज नहीं ना, खुश है। ठीक है, है? मगर जब दमोह सबके ऊपर बढ़े तो हमारे ऊपर बढ़े, और नहीं कहो के ऊपर ना बढ़े। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है? जी सही में जी। क्या लग रहा दादा? हाँ आप कांग्रेस के पुराने आदमी है। कांग्रेस के पुराने हैं? हाँ, कांग्रेस का देव है। अच्छा हाँ, काहे ले दादा कांग्रेस का? ये ले देंगे बेचारे के मातारी मर गए, दादी मर गए, बाप मर गया, शहीद हुए बेचारे, ये ले प्रभावित है उनसे, हम कांग्रेस का देव है। कांग्रेस का देव? हाँ दादा लोग तो कहा भाजपा ने बहुत कुछ किया। उनके कहने से क्या होता, हम फूट के कहते कांग्रेस को। किसका पड़ा भारी है? पड़ा भारी कांग्रेस को तो अभी चल रहा है। यहाँ पर भाजपा ने कुछ विकास किया कि नहीं मेठी में? कुछ नहीं की, कौन ना बैठे इसमें से रानी कब्बो यहाँ सब, और वही भाई इसमें से रानी में जहाँ रात हो रात चली जाते। तो राहुल गांधी कब आए यहाँ? राहुल गांधी के बाप तो यहाँ जिंदगी भर रहे, लोग का बंगला बना हुआ 6 किलोमीटर। तो अमेठी के अच्छे दिन आए कि नहीं? अभी तो नहीं आए, अभी तो नहीं। पीएल शर्मा को यहाँ से उतारा है, टक्कर कर दे पाएंगे? नहीं दे तो है ये, दे तो है ये। अच्छा प्रियंका बहुत अच्छा भाषण देते है, सब आदमी समझ में आ जाता है। अरे भाषण तो मोदी जी भी अच्छा देते हैं। नहीं मोदी जी हिंदू मुसलमान कहते हैं बस, भाई हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये सब गीत गावे थे। हाँ। कुछ आप तो करो बड़ा विकास हो दादा, आप एक बता रहे हैं तो पंजाब। अरे विकास में कहो समझावे ना, जय है मोदी, बाकी सब मोदी बहुत किया लौड़ा कहू नहीं न किए, जता मोदी दादा किया ना नमक तक खवा दिन तब का नंगे टहने मोदी ना है पूरा। अरे फ्री राशन दी अब खवा रहा है, का करे बताओ, सब रत्ता बनवा दे, का करो कांग्रेस में नहीं रहा था नहीं दीजिएगा नहीं नहीं। हाँ कांग्रेस में नहीं रहा था हमें तो भैया, हमें तो दिया है, हम तो उनका करूंगा। अच्छा। बात खत्म, चाहे इनका विकास हुआ नहीं हुआ हमारा हुआ है बस। अच्छा मोदी खुश हैं? खुश हैं हम, अब ना हमारा तो मंदिर बन गया। अच्छा इससे तो खुशी क्या होगी, हम हिंदू हैं। हाँ। हमें तो खुश रहेंगे। अच्छा अरे बताओ अयोध्या कांग्रेस जीत रही? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं जी। दादा क्या कह रहे हैं? उनको कह रहे तो किशोरी लाल जा रहे हैं, जा रहे हैं तो जा दियो, बढ़िया ठीक रहा, जगह सत्ता हुए जाए भाई। अच्छा किशोरी लाल आगे हैं यहाँ भाई, उनका कहो जनता ने ना से तुम बता रहे हो तो किशोरी लाल ने, तो यहाँ तो जनता ने क्या है किशोरी लाल बताओ दादा इनका। अरे इनका का पता हुआ किशोरी लाल गांधी के चला, इतना माइंडेड आदमी है, कहू है किसमी दादी बताओ, बहुत माइंडेड है। हाँ माइंडेड है तो मोदी को कम नहीं ना भाई। हाँ। वो माइंडेड है, अत्ता बड़ा अयोध्या नगरी सजाए दिन, बढ़िया कार कर मोदी हमारी खातिर, भाई हमें खवाएन पियाए ना 5 साल राशन दिन, हमें कहू पूछल एक बेड़ी का, अभी शायद हम वहां का न देवे वोट में भगवानों के टाउन न मिले। अरे वाह चलिए, क्या लग रहा है बताइए, कैसे देख रहे हैं? जी बढ़िया है। मामला क्या है? मामला बढ़िया है भैया, जो हिंदू समाज है वो उनसे जुड़ी है, हम लोग मुस्लिम समाज है। अच्छा सब दो थे भाई, बहुत है हिंदू। चलिए दादा आप बताइए, आपसे बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं मेटी की राजनीति को? बहुत बढ़िया है। क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, टक्कर क्या है? टक्कर तो है, किसके किसके बीच में? अरे केएल शर्मा के और स्मृति ईरानी के है? अरे जो बीजेपी की है इनके और केएल शर्मा के बीच तो टक्कर है ही है। टक्कर है केएल शर्मा, लग रहा है कि केएल शर्मा को अचानक उतार दिया मैदान में, वो फाइट कर सकते हैं? अरे तो वो 40 साल से यहाँ इस जमीन पर रहे हैं तो उनका फेट नहीं रहेगा। दीदी के विकास के आगे कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे? दीदी कोई विकास किया है नहीं, कोई कोई भी एक चीज गिना दे कोई की हाँ बनाए हो। हाँ अमेठी जिले में कुछ भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया नहीं, सब राहुल गांधी और
उनके सब कांग्रेस के दिन है, जो फैक्ट्री बनी हुई है, सब चीज है, सब कांग्रेस अच्छे दिन आएंगे बेटी के। अमेठी में अच्छे दिन आए ही नहीं, अच्छे दिन तो जब थे जब कांग्रेस थी। दीदी ने अपने वादे पूरे किए नहीं? कोई भी वादा नहीं पूरा किया। हाँ। एक भी वादा नहीं पूरा किया। अच्छा दादा आप कुछ कहना चाहेंगे? बता रहे तो यहाँ तो अच्छे दिन नहीं आए बता रहे। अरे अब उनका नहीं ना आए, सब कुछ पेलत खाता है, तब वो बताओ थी नहीं दिन आए, का नहीं ना पावर, राशन नहीं ना पावर, की कॉलोनी नहीं ना पाए, की लेटरिन मोती के नहीं लिए, के का नहीं लिए बताओ हमें। अच्छे दिन नहीं। अरे बताओ मुआ चाहे जो उनका हो। हाँ। बताओ क्या नहीं लिए भैया। किशोरी लाल आए हैं अब की। हाँ। राहुल गांधी तब की हार गए तो किशोरी लाल को उतार दें, तो राहुल गांधी का है नहीं है। अरे माँ की विरासत संभाल ले गए। अरे तो अब यही तो उनके बाप की विरासत आए। अरे उनके बपौतिन तो आया लड़की तो मजा। अरे उनके पुरातम कहे बपौतिन तो आया सब, पहले कांग्रेस है तो सब रहा सब। हाँ तो लेकिन अब यहाँ किशोरी लाल शर्मा को उतारे है ना, आज राहुल गांधी आए हैं पीछे रहे यहाँ जामो रैली रहे वही है कहा का मतलब। हाँ। मगर अब इनका यहाँ से उतारेगा रहा, पिछली बार हार गए रहे तो अगर राहुल लड़ते तो मजा होता है। चले गए उनके मर्जी आए यहाँ तब के सको दिखा दी से बतावत आए या नहीं हुआ, और जब समय आए तो चड्ढी दिखाए दी तो राहुल बेचारे काक नहीं मारे नहीं लड़े। अच्छा चाचा आपने बताया कुछ किया नहीं तो बता रहे बड़ी स्कीम का फायदा ले रहे हैं आप बताइए। कोई भी स्कीम नहीं है भैया। हाँ। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये अमेठी में है और एक ये गांव चौराहा है पूरब गांव, और हम लोग यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और लगातार हम लोग पूछने का प्रयास कर रहे हैं अमेठी के लोगों से कि यहाँ का माहौल मिजाज क्या है। आप लोगों ने देखा है डिबेट मैंने यहाँ पर की है, और चलते हैं आपको इधर लेके चलते हैं और यहाँ वहां पर पूछते हैं कि अमेठी के दूसरे छोर पर कि वहां के लोगों का माहौल मिजाज क्या है।